सो गाइस, ये है वो ताल जिसके लिए हम दिल्ली से यहाँ पे आए। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो भाई वहाँ नवीन सो रहा है, हरी भाई इधर नहाने गए और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो भाई बहुत अच्छी सुबह है, बाहर आपको दिखाता हूँ। तो चलो नज़ारा, पहले नज़ारा देखो आप, उसके बाद दिखाते हैं रूम का टूर, छोटा सा क्विक शॉट दिखाते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, आपको एक बार नज़ारा चेकआउट कराता हूँ। देखो वैसे सूरज इधर से निकल रहा है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन वो समझ लो ना, क्लैरिटी कम आएगी, बट जो भी है मैनेज कर लो। सो गाइज, होप करता हूँ आपको पिछली वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनको मैं बता दूँ कि भाई इससे पहले एक पार्ट वन बनाया था, तो वो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने यहाँ के नाम से, मोरनी हिल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाओ पार्ट वन देखो, देन पार्ट टू देखो, तभी समझ में आएगा। तो गाइज आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि एक टिक्कर ताल है, तो टिक्कर ताल हम जाएंगे, अभी फ्रेशन अप हो जाए सारे के सारे, देन उसके बाद टिक्कर ताल जाएंगे। सो गाइज ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा और सारे लड़के जो है रेडी हैं, सारे सबके बैग जो है पैक हो चुके हैं। नवीन भाई फुल एक्साइटेड है टिक्कर ताल देखने के लिए। अरे माता वाता तो नहीं आ रही भाई? नहीं, फुल पावर में है ये नवीन भाई, फुल पावर में है। तो भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और आपको जो है विजिट कराते हैं अपनी वीडियो के थ्रू टिक्कर ताल। तो गाइज रेडी टू रोल नाउ, बाय बाय। तो भाई यहाँ से हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स टिक्कर ताल, बढ़िया बढ़िया शॉट्स दिखाने की पूरी पूरी कोशिश है अपनी, ठीक है। तो गाइज अभी फिलहाल यहाँ पे मौसम चेकआउट करो आप कैसा हो रहा है, फुल भरा बैठा है, कभी भी बाइक हो सकती है, इधर आगे धुंधी धुंधे फॉग ही फॉग है और हमें जाना है नीचे, और अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे रेडी एक नंबर। Few moments later. तो गाइज यहाँ की खूबसूरती बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब कि हरियाणा में, मतलब कि अगर मैं इसको हरियाणा ना बोलूँ और सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड बोलूँ तो आप यकीन कर लोगे। बाकी व्यू देख लो, हाइट देख लो, काफ़ी ऊंचाई पे आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब टूरिस्ट जो हैं, आज 15 तारीख है, 15 अगस्त है, तो सारे के सारे छुट्टी मनाने यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी सारी दिल्ली की कारें बाइक्स मैंने देखी जाते हुए, हम तो खैर फोटो सेशन में रुके हुए थे। तो भाई अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि आपको बढ़िया बढ़िया फोटो, बढ़िया बढ़िया नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से जाओ मुझे फॉलो कर लो और बाकी तो बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, एक नंबर है बाबा, यहाँ का सारा का सारा सीन जो है एक नंबर है। पहाड़ों के अंदर ना एक एक किलोमीटर पता चलता है, तुम्हें पता है, एक तो स्पीड नहीं आती, ठीक है, गियर शिफ्टिंग ज़्यादा होती है, पेट्रोल कंज्यूम ज़्यादा होता है और प्लस टाइम भी ज़्यादा ही लगता है ना। तो भाई साहब नज़ारा देखो फिर दोबारा, बस मैं आपको नज़ारे नज़ारे चेकआउट कराऊंगा, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे ना पूरा का पूरा देख रहे हो हरियाली दिख रही है, और आगे जो है आगे हैरी भाई बताएंगे, हैरी भाई वो जो छोटा दिख रहा है मकान दिख रहे हैं है? वो मकान दिख रहे हैं हाँ। बहुत सारे हाँ। मुझे लग रहा छोटा मोटा कोई शहर है छोटा सा ना, ये बहुत हाइट पे हम यार। तो गाइस जहाँ पे मैं आ गया हूँ अभी, मतलब काफ़ी ऊंचाई से नीचे आ गए हम, और देखो कार भी नीचे जा रही है, आपको दिख रही होगी, तो नीचे नीचे ताल दिखने लग गई है मुझे, जो लेक है जिस लिए हम जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, वो लेक हमको एक्चुअली में दिखाई देने लग गई है। और ये क्या शॉर्टकट है क्या? नहीं भाई शॉर्टकट नहीं लेना थोड़ा लॉन्ग कट ही सही है, लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना। तो गाइस ताल देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपको शायद गोप्रो अभी कवर नहीं कर पा रहा होगा दूर का, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि जो है ताल दिखने लग गई है, सेडमेंट लेवल जो है बहुत हाई है,
और मेरे से भी रुका नहीं जा रहा है कि भाई फटाफट से नीचे पहुंचूं, देखूं कैसी है ताल, क्योंकि पता क्या होता है डेस्टिनेशन पे जब पहुंचते नहीं है ना तो बड़ी क्रेविंग आती है उसको कि भाई फटाफट से पहुंचे। और जब वहाँ पहुंच जाते ना तो एक फटाफट से एक डीप ब्रेथ, जो एक लंबी सांस होती ना कि भाई हाँ भाई आना सफल हो गया, चाहे उसके बाद 5 मिनट ना रुके वहाँ पे, 10 मिनट में निकल लो, लेकिन ये है कि हाँ आना सफल हो गया। तो अभी मेरे को, अब अगर ये जो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना, अगर मैं चाहूँ तो आपको यहीं से ताल के मज़े दिला सकता हूँ, लेकिन मैं दिलाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लोज ले जा के दिखाऊँ प्रॉपर तरीके से। तो फटाफट से गाइस वहाँ पहुँचते हैं और आपको जो है नज़ारे दिखाते हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, स्किप मत करना बिल्कुल भी। इसकी गाड़ी में क्या हो गया भाई, ये बड़ा तंग कर रहा है भाई। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म? फिर गाड़ी बुक करके बंद हो गई। अबे यार नवीन, तुझे मैं किसी में कह रहा हूँ आगे मत चल, वो तो 6 मिनट तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तेरे चक्कर में आगे चलना पड़ रहा है। अब गाड़ी साइड में लगा, पता नहीं भाई। तो भाई पूरे 1 घंटा होने वाला है यहाँ पे खड़े, और हालत हो गई है टाइट। ओए, नवीन भाई की बाइक हुई थी बंद, और फिर अभी मैंने पूरे दांव पेच मार दिए, सारे फ्यूज चेक कर लिए, विजय पाई है भाई हमने इस पर, फाइनली रॉयल एनफील्ड हमने स्टार्ट कर दी। हमारी जो बाइक है रेडी हो चुकी है नवीन की, हमने स्टार्ट कर दी है फाइनली, इस पर विजय पाया है। कितना आगे है भाई, बस जल्दी से आ जाए, मुझसे ना इंतज़ार नहीं हो रहा। वैसे पहुँचता हूँ जाते बहुत पहले, 1 घंटे पहले, लेकिन नवीन भाई की बाइक बंद हो गई थी। उसकी बाइक का जो इग्निशन का जो कपलर होता है, मतलब लॉक के पास जो कपलर होता है नीचे, उसमें 2 तार उन्हें लगा रखी है, वो उसे भी आइडिया नहीं किस चीज़ की तार है। भाई देखो मैकेनिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये चलो इतना तो मतलब हुनर या एक्सपीरियंस समझ लो तो है। जो गाड़ी स्टार्ट कर ली, फ्यूज़ चेक कर ली, फ्यूज़ तो ठीक थे, बट उस तार से ही प्रॉब्लम थी। तो भाई तार जाए तैसे जोड़े जाड़े जुगाड़ मारे, इसमें निकाल के उसमें लगा दिए, बस करंट आना चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। तो गाड़ी चल गई अपनी, और क्या चाहिए, है ना भाई। फाइनली वी आर रीच टिकरताल लेक, जैसे कि आप देख रहे हो नज़ारा एक नंबर है। तो फटाफट से लाइक ठोको भाई, ठीक है? यहाँ लगाएंगे पहले सारी गाड़ियाँ, उसके बाद अंदर घुसेंगे एक साथ, ठीक है? ये एंट्री हो गई अपनी, यहाँ से 20-20 रुपए पर एंट्री है, कार की अलग है, ठीक है? तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा कमाई है इन लोगों की भाई, जो ये पैसा मांग रहे हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन वही है कि लेक देखने बंदा आएगा तो 20 रुपये देगा, ठीक है ना? और बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, तो वो वहाँ पे बंदा को किसी को खाना वाना होगा तो वो खाएगा, तो वो उसके भी पैसे देगा, ठीक है ना? सो गाइज ये है वो ताल जिसके लिए हम दिल्ली से यहाँ पे आए, और नज़ारा चेकआउट करो, एक नंबर है। लेकिन पास से देख रहा हूँ पानी बहुत गंदा है, लोगों ने गंद मचा रखा है, बियर शराबें मतलब दारूएं पी पी के, देख रहे हो बोतलें पड़ी हैं, टीचर ब्लेंडर प्राइड पता नहीं कौन कौन सी। ये गलत है यार, इतनी खूबसूरत ताल है, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ एक बारी, जिसकी इतनी खूबसूरत ताल है और नज़ारा एक नंबर है। मतलब दूर से देखोगे तो अच्छा लगेगा, बट जितना पास आओगे ना उतनी बेकार दिखेगी, गंदा पानी दिखेगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, देख रहे हो बोतलें पड़ी हैं यहाँ पे। मतलब ये ना हमारी गलती है कि हम लोग ना खाते पीते हैं और फेंक देते हैं, बहुत गलत है यार ये। बाकी आपको कैसी लगी ये ताल ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, काफ़ी सारे राइडर्स आ रखे हैं। अच्छा 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ये तो पेड पार्किंग हो गई, तो पेड पार्किंग में आप दे सकते हो अपनी बाइक लगा के, और बाकी अगर आपको फ्री में लगानी बाइक तो आप कहीं भी रोड पे लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये वो है कि थोड़ा रिस्क बन जाता है, क्या कोई गाड़ी ठोक जाए कुछ हो जाए, है ना? यहाँ पे 20 रुपये पर हेड है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाइक के 20 रुपये। तो भाई देख लो आपके सामने नज़ारा प्रस्तुत है, मतलब पेश है। तो वहाँ मैं जाऊँगा अभी उस वाले पॉइंट पे, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाऊँगा और आपको फिर इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। अगर मुझको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, मिलते हैं आगे। सो गाइज हम आ चुके हैं मोरनी के, जो फेमस जो टिक्कर ताल है वहाँ पे आ चुके हैं। मोरनी ये एरिया का नाम है मोरनी, और जो ताल है वो है टिक्कर। तो टिक्कर ताल का एक बार 360 व्यू देख लो, थोड़ा सा मैं इसका एंगल दूर करता हूँ, ये कुछ 360 व्यू है। तो गाइज यहाँ पे क्या क्लाउड ज्यादा है, दैट्स वाई क्या सीन है कि शायद थोड़ा शेडो आ रहा होगा, थोड़ा सा मतलब जो फेस की जो क्लैरिटी है, मतलब जो कैमरे की क्लैरिटी है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रही होगी। सो जैसा भी एडजस्ट कर लेना। साथ में चल रहे हैं ओम भाई, ओम भाई जरा हाई बोल दो अपने ऑडियंस को। तो ये अपने हैरी भाई हैं, सबको पता ही है, आगे वाली पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा आपने। और साथ में चल रहे हमारे एक राइडर आकाश कपूर, नाम तो सुना ही होगा,
पूरे ऐसे बिठाए हुए। तो भाई अभी मैं आपको फटाफट से लेके चलता हूँ ऐसे पॉइंट पे जहाँ से जो ताल है, जो लेक है, उसका प्रॉपर जो मजा मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बस एक ही सेकंड मतलब अगले ही पल में आपको मिलेगी ताल देखने को, तो बस वेट करो। सो गाइज ये पूरा व्यू है लेक का, ठीक है, लेक आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट पीछे की साइड पे देखेंगे तो एक रिजॉर्ट बना हुआ है। रिजॉर्ट का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होगा तो मैं बिल्कुल वीडियो में बता दूंगा आपको, मतलब स्क्रीन पे ऊपर शो कर दूंगा अगर यहाँ पे नाम दिख जाएगा मुझे तो। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई बोर्ड लगा नहीं है जिससे नाम पता चलेगा, लेकिन हाँ ये कि टिक्कर ताल अगर आप आते हो मैप के थ्रू तो आपको ये देखने को मिलेगा। और साथ में अगर बताऊँ तो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पे टायर लगे हुए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या थोड़ा सा मतलब एक्टिविटी हो सकती है चढ़ने चढ़ाने की, मतलब थोड़ा मजा आ जाएगा। बाकी काफी सारे बच्चे लोग अगर आ रखे हैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली आ रखी है, तो काफी मजा उठा रहे हैं। और हवा चल रही है बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ का नजारा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, 360 व्यू दिखा दिया आपको मैंने, बहुत ही बढ़िया, एक बार विजिट जरूर करना। देखो कैमरे में जो जस्टिस होता है ना, मतलब जो दिखता है वो जस्टिस नहीं कर पाता, मतलब आपको मतलब पूरा फील नहीं आएगा, खाली देख के आप कहोगे कि हाँ भाई चीज़ है, बट जो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ ना भाई, वो मैं ही फील कर रहा हूँ सीरियसली। एक बार मेरे कहने से यहाँ पे आना जरूर, मतलब हिमाचल ना जाओ तो यहाँ जरूर आ जाओ, मतलब ये सही कहते हैं कि एकमात्र जो हिल स्टेशन है भाई हरियाणा का वो ये है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आने के बाद ना फील हो रहा है वाकई में कि हाँ वो चीज़ है। सो गाइस टिक्कर ताल हमने घूम ली है, आपको दिखा दी नज़ारे, अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। गाइस यहाँ पे एक भाई मर्सिडीज लेके आ गया, काफी ज्यादा स्लश है यहाँ पे कि बिल्कुल जो होते हैं चिकनी मट्टी, वहां ले भाई ने बता दी अपनी मर्सिडीज और टायर, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे घूम रहे हैं, फुल मुशक्कत चल रही है, लेकिन जो है बाइक और जो कार है बंदे की नहीं निकल पा रही है। गाइस ये वो मर्सिडीज है जो फंस गई थी भाई साहब, इस बंदे ने भाई साहब नज़ारा दिला दिए, बेचारे डर डर ही चला रहे। ओके भाई बाय बाय, बड़ा थैंक्सफुल बोल रहा था भैया कि थैंक यू भैया थैंक यू, निकलवा दी गाड़ी आपने, हम क्या करें भाई, हमारा तो काम है भाई, लोग फंसे होंगे तो मदद कर देंगे, जितना बस की उतना कर देंगे, और जब नहीं है बस की तो भाई हाथ खड़े कर लेंगे, ये हो सकता है और क्या हो सकता है ना। तो बस वही है भाई, बंदा लेकिन खुश हो गया, कह रहे भाई हम आ रहे थे बिना मास्क के, हम आए, हमारा चलान कट गया और अब यहाँ पे गाड़ी फंस गई है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, बड़ा थैंक्सफुल हो रहा था बंदा, यार सब्सक्राइब भी किया चैनल बंदे ने, क्या बात है। तो गाइस जिस चीज का डर था वही हो रहा है, यहाँ पे हो रही है बारिश स्टार्ट। क्या हुआ, मेरी बात सुनो, वहाँ पे किलर था भाई, अभी किलर, अब किलर फायदा नहीं है, बारिश हो रही है, घर जाओगे हैं, अब कहाँ जाओगे भाई, आगे झरना देख लेंगे, झरना तो बच्चे हमारे हैं, अब आगे चलो फटाफट से लेंगे भाई, अभी रुकना फायदा नहीं है। तो गाइस अभी जो सीन है यहाँ पे कि किला, तो यहाँ पे जिस चीज का डर था वही हो गया, यहाँ पे होने लग गई बारिश, और मेरा जो GoPro है भाई मुझे वो करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि भाई बारिश के अंदर हो जाएगा ख़राब, और मैं नहीं चाहता ख़राब हो, बड़ी मेहनत से लिया है मैंने, ठीक है। तो फटाफट इसको पैक करते हैं, ठीक है भाई, चल 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 चल, एक मिनट।